वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइस में एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं हमारे साथ। वैभव जी काफ़ी समय से एक हेज फंड इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, स्पेशली लॉन्ग शॉर्ट फंड्स चलाने का। वैभव जी गुड मॉर्निंग। पहली बात मैं करूँगा, आज जो लिस्टिंग हुई है, ऑब्वियसली आपसे मैं लिस्टिंग के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की लिस्टिंग हुई है ये कुछ कह रही है मार्केट के बारे में? 500 रुपये का इशू प्राइस, 1400 पर लिस्टिंग। गुड मॉर्निंग और सभी श्रोताओं को भी गुड मॉर्निंग। मेरा ये आकलन है, जनरली अगर आप देखें ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, जब भी लिस्टिंग होती है उसके एक साल के पीरियड में अगर देखें, अगर हिस्टोरिकली जितने भी लिस्टिंग हुए हैं हमने ज्यादातर देखी है कि लिस्टिंग प्राइस से नीचे चलती है। तो ऑफकोर्स ये पहले दिन की एग्जूबरेंस यू मे ऑलवेज सी, बट आई थिंक मार्केट विल फाइंड देयर ओन लेवल्स। और वैल्यूएशन एक यू नो एक चीज है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर एंटर करते हैं तो पोटेंशियल रिटर्न मेकिंग जितना होता है वो उतना कम हो जाता है, और आपका होल्डिंग पीरियड ओवरऑल यू नो काफी बढ़ जाता है जितने महंगे वैल्यूएशन पे आप एंटर करते हो। तो सो ऑफकोर्स अच्छी कंपनियां लिस्ट होती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बट एक वैल्यूएशन खास ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, मार्केट पर ओवरऑल अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या मार्केट में ओवरऑल भी एक एग्ज्यूबरेंस है इस समय, जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भागे हैं, और क्या ये एग्ज्यूबरेंस अभी भी कंटिन्यू कर सकती है? नहीं, जैसे आपने कहा मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें भी एग्ज्यूबरेंस लग रही है, बट हालांकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप को अगर बाजू में रख के अगर लार्ज कैप पे फोकस करते हैं तो जिस हिसाब से ग्लोबल में वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि फेड ब्याज दरें जो एक्सपेक्टेशन है ग्लोबली कि अगले मई से वो 25 बेसिस पॉइंट्स कट करेगी, उसी के कारण हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स भी काफी करेक्ट हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी भी ओवरऑल है, एक्सेप्ट फॉर कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जिस हिसाब से हम चाइना से देख रहे हैं जो वीकर है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ वीक हो सकती है, लेकिन ब्याज दरें यू नो एक्सपेक्टेशन है कि मई से डिक्रीज हो सकती है। और यही अगर सिनेरियो हम देखते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ सकता है, और जब इमर्जिंग मार्केट में इंटरेस्ट अगर वापस आने की संभावना है और उसमें हम देखें कि चाइना एक वीकर स्पॉट है तो हमें लगता है कि इंडिया एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनफ्लोज यू नो ले सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और उसी के कारण हमें लगता है कि लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। रिटेल इंटरेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप में हमेशा ज्यादा रहता है, बट हमारा व्यू है कि अगले साल लार्ज कैप की बारी है। ओके, अगला साल जो है वो लार्ज कैप का साल हो सकता है वैभव जी के मुताबिक। अच्छा वैभव जी, ये पिछले 3-4 दिन में जो मूव आया इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब इन स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट को, रिजल्ट्स को, क्या इन प्राइसेस में हमने फेवरेबल स्थिति में फैक्टर इन कर लिया है, और कोई भी अगर एक नेगेटिव सरप्राइज आता है तो बाजार पे आपका व्यू, या एक पॉजिटिव सरप्राइज आता है, या फिर मतलब बीजेपी के पक्ष में कुछ ज़्यादा राज्य आते हैं अगर, तो ऐसे में जो अगला 2-3 महीने का टाइम फ्रेम है उसमें आपको क्या लग रहा है बाजार कैसे बिहेव करेगा? वो 2-3 महीने का मतलब ये है रन टूवर्ड्स जनरल इलेक्शन, वो टाइम फ्रेम में बाजार कैसे रिएक्शन देगा फिर उस वक्त? टिपिकली स्टेट इलेक्शंस में ज्यादा तो असर होता नहीं है मार्केट में, आई मीन ऑफ कोर्स एक आध दो दिन का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन होता है वो होता है, बट लार्जली अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली भी हमने ट्रेंड एनालिसिस किए हैं और देखा है कि 6 महीने के पहले ऑफ जनरल इलेक्शंस ओवरऑल मार्केट में बॉयंसी ज्यादा होती है, प्योरली बिकॉज कंजम्पशन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में भी एक पुश मिलता है, और वो एंटिसिपेशन में वो 6 महीने बिफोर द इलेक्शंस हम देखते हैं कि जनरली मार्केट अप्रिसिएशन मोड में रहता है। और अगर हम ये क्लब करें कि ग्लोबल फैक्टर से भी अगर रिस्क ऑन एनवायरमेंट होती है तो पॉसिबिलिटी है कि ऑन अ शॉर्टर टर्म मोमेंटम रह सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जहां फ्लो आने की संभावना है, गुंजाइश है, वही पॉकेट में अलोंग विद द वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स देखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ओके,
चलिए, ये इंडिसेस पर बात हो गई, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप पे बात हो गई, क्या चल सकता है यहाँ पे, उस पर बात हो गई। अब सेक्टर्स पे उतरते हैं वैभव जी। अभी कुछ देर पहले या फिर कल भी हम एक चर्चा कर रहे थे कि कुछ सेक्टर्स में धड़े होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, रियल स्टेट, उसके बाद रियल स्टेट एंसिलरीज, होम इम्प्रूवमेंट। हम HFCs की बात कर रहे थे कल से, कैनफिन होम्स हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, हालांकि आप स्टॉक्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक बाजार ने इसको वो वरीयता या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है वैभव जी? आई थिंक अगर हम HFCs की बात करते हैं एंड आई वुड से कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो हम यू नो बाइफरकेट करेंगे बैंक्स और नॉन बैंक्स में। और जब नॉन बैंक्स में फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं तो प्रॉब्ली वो AMCs आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है और फाइनेंशियल्स भी आ जाते हैं। और इन इन सभी वर्गों में हमें लगता है कि जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज है इन फाइनेंशियल सर्विसेज वो हमें पसंद है, लाइक AMCs की बात करें या इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, और प्रॉब्ली कैपिटल मार्केट फेसिंग भी कंपनीज जो है वो भी अच्छा कर सकती है। फाइनेंशियल्स में स्पेशली ऑन दी NBFC साइड जहां उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो सकती है ऑन ओवरऑल सिस्टमिक बेसिस, हमें लगता है कि वो वहां स्प्रेड्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे। एट द सेम टाइम हायर और एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स में अभी तक हमने देखा है कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छी यू नो एक्टिविटी रही हुई है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट हर्टिंग समवेयर, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स एज अ पॉकेट हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रह सकता है अगर ये इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड रहे तो। सो वहां हम वेट करेंगे इंक्रीमेंटल डेटा आने के लिए, बट फ्रॉम अ फाइनेंशियल सर्विसेज परस्पेक्टिव कैपिटल मार्केट फेसिंग AMCs, इंश्योरेंस कंपनीज, ये पॉकेट हमें बेटर लगती है एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल्स। ओके, बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, एक स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में वापस एक ट्रैक्शन आ रहा है, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक्स, या आप ऐड करना चाह रहे हैं इन स्टॉक्स को? सी आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स आई मीन व्हाटएवर बास्केट वी मे कॉल इट, इनके वैल्यूएशन अगेन हमें इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है। और इन द एनवायरनमेंट की अगर ग्लोबली इकोनॉमी इज गोइंग टू करेक्ट अ बिट और प्रॉब्ली द ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, वहां हम लगता है कि जब तक इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती है और प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं आती है, हम प्रॉबेबली उस वो सेक्टर को अवॉइड करेंगे। नॉट दैट कि वो इतने चीप भी मिल रहे हैं कि जहां हम कॉन्ट्रा कॉल लेके प्रॉबेबली ओवर लॉन्गर पीरियड हम देख सकते हैं। सो इधर वैल्यूएशन करेक्ट हो या ग्लोबली हमें ऐसे संकेत मिले कि यहाँ इकोनॉमिक बॉटम आउट हो रही है और यहाँ से थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ सकती है, तभी हम ये सेक्टर को देखेंगे। वैभव जी, इस समय कोई शॉर्टिंग आइडिया बन रहा है क्या मार्केट में, जहां आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंस है, या जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, जहां पर आप इवन अगर आप चाहें अगर हेज करना चाहें पोर्टफोलियो को, तो जहां पर थोड़े से शॉर्टिंग आइडियाज हो? सी फ्यू थिंग्स हमारे अवॉइड लिस्ट में है दिस पॉइंट इन टाइम। वन के जो भी ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स हैं वो हम उसमें इतने एक्साइटेड नहीं है। आई थिंक वो एक हमारा अवॉइड बास्केट रहेगा, इंक्लूडिंग कमोडिटीज एंड मेटल्स। सेकेंड, फ्रॉम अ डोमेस्टिक ऑल्सो थोड़े सेक्टर्स हैं जहाँ वैल्यूएशन में भी बहुत एक्सुबरेंस है। सो वो एक सेक्टर्स अगेंस्ट अगेन वो शायद अंडर परफॉर्मर रह सकते हैं, बट नॉट एन एब्सोल्यूट काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ पिक। सो हम कंबाइन करेंगे अवॉइड सेक्टर्स में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस को और एब्सोल्यूट यू नो प्राइस करेक्शन एज वेल। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें लगता है कि आई थिंक वी शुड बी हेजिंग विद। एनी चॉइसेस या फिर सेक्टर एज अ होल, हॉस्पिटल या फिर डायग्नोस्टिक्स? वैभव जी, ये लास्ट पॉसिबली प्रश्न है आपसे, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी तक पिछले 3 साल में कोई भी स्टॉक डिफीट नहीं हुआ, किसी ने भी नेगेटिव स्विंग नहीं दिया, और इस बार की अर्निंग्स डायग्नोस्टिक स्पेस में अच्छी थी, तो यहाँ पे इस स्पेस पे आपके कमेंट? आई थिंक ये सेक्टर कोविड के बाहर जब निकला है हमने काफी ट्रैक्शन देखा है ये पूरे सेक्टर में, और हमने और ओवरऑल बेसिस देखा है कि जो कैपेसिटी उतनी थी उसकी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा हुई है।
उस हिसाब से हम जो ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं वो उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। अभी फ्रॉम हियर ग्रोथ की बात करते हैं तो जो इंक्रीमेंटल केपेक्स करेगा उनकी कंपनियों में, वो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव हम देख सकते हैं कि वहां ग्रोथ के नंबर्स आ सकते हैं, बट लार्जली हम ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। इंक्रीमेंटली मार्जिन और ग्रोथ देखना वो इंडिविजुअल कंपनी पे आधारित रहेगा रादर देन टेकिंग अ ओवरऑल सेक्टर काइंड ऑफ कॉल। वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। फिर इस समय मार्केट में थैंक मोमेंटम थोड़ा स्लैकन ज़रूर हुआ, लेकिन देखिए लोअर लेवल पे फिर बाइंग भी आई है। अब निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है।